रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की मेहमान है सुरों की सच्ची साधिका और हिंदुस्तान की जानी मानी शास्त्रीय गायिका उमा गर्ग जी। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उमा जी, पहला सवाल तो मेरा बहुत ही पसंदीदा सवाल है, और जब भी आप जैसे मूर्धन्य कलाकारों से बातचीत का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ कि बचपन कैसा था, बचपन की शरारतें कैसी थीं, और क्या कुछ अलग था या बिल्कुल वैसा ही बचपन था जैसा हम सभी का होता है। बचपन में मैं शरारती तो बहुत थी, पर एक मध्यवर्ती फैमिली जैसी होती है। हम स्कूल जाते थे और एक रूटीन में सब कुछ था। हमारी माँ खुद कलाकार थी, मेरी माँ, वो मेरी पहली गुरु हैं, और गाती भी थी, और उनका तो ये था कि वो इजराज भी बजाती थी। तो बचपन से उन्होंने एक बहुत ही क्या कहते हैं रूटीन बना दिया था। मुझे याद है मैं 5 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ स्टेज पर, और वहाँ तब हम रहते थे उधर पटना के पास रामगढ़, तो वहाँ दुर्गा पूजा के टाइम पर हम लोग बंगाली परिवार से थे हम, बाद में तो मैं गर्ग हुई। तो वहाँ मंच पर 5 साल की थी, राग यमन मेरी माँ ने सिखा दिया था और मैंने गा भी दिया था। तो ये था, और शरारती भी थी, और पर एक बहुत रूटीन से अपना चलता था। सुबह उठना, थोड़ा सा रियाज कराना, फिर स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल से आगे इवनिंग में ज़रूर रियाज पे बैठना, स्वरों का रियाज मेरी माता जी कराती थी, और फिर हम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खूब उधर मचाते थे, पूरे मोहल्ले में घूमते थे। वो भी था, मेरे से बड़े ब्रदर थे, 2 साल बड़े थे, हम दोनों मिलके पूरे मोहल्ले में घूमते भी थे, शरारती में किया करते थे। ऐसे ही बचपन बीतता चला गया, और गाना भी सीखते रहे साथ में। गाना ऐसा था कि हमने कभी ये उस वक्त मेरे ये नहीं था कि भाई क्लासिकल है, ये लाइट है, और ये चीज़ नहीं गाना, ऐसा हमारे घर में नहीं था। हाँ, फिल्म म्यूज़िक के लिए ज़रूर मना किया जाता था, फिल्म नहीं देखना, फिल्म जो हम ले जाएंगे कभी दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिल्मी गाने सुनना भी हमारे घर में बहुत। और उन दिनों लता जी के गाने मैं बात कर रही हूँ, मैं 50 बॉर्न हूँ, तो आप सोचिए 60 और 50 के बीच के जो गाने थे, हम कैसे रोक पाते थे, चारों तरफ वो लाउड स्पीकर में बजता रहता था, और पर घर में हम ना सुन पाते थे ना गाने का तो सवाल ही नहीं उठता। रेडियो होता था उन दिनों, तो वो रेडियो भी, रेडियो में सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक मेरे पिताजी रोज रात को, तो मैं तब से ही हीराबाई वड़ोदकर जी को सुन सुन के मेरे मन में हुआ कि मैं ऐसी कलाकार बनूंगी, इनके जैसा मैं ये गाना मैं गाऊंगी, मेरे मन में हुआ। और उधर लता जी के गाने भी मुझे बहुत आकर्षित करती थी कि क्या गाते हैं, पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं, मैं छुप के जाके उनका गाना सुन के छुप के रोया करती थी, मुझे इतना रोना आता था। मैं आज भी सोचती हूँ तो उनके कुछ गाने ऐसा ही है जो मैं रोती थी जार जार, और सुनना भी अच्छा लगता था। तो इस तरह बचपन करते करते बड़े हुए, इलाहाबाद पहुँचे जब मेरे पिताजी के ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जब इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद में स्कूलिंग सारी हुई 12th तक। माँ जी, अभी आपने
सवाल के, बचपन के सवाल के जवाब में कहा कि माँ आपकी पहली गुरु थी, तो क्या माँ संगीत से जुड़ी हुई थी, आपने जिक्र किया, लेकिन क्या कभी माँ ने ये सोचा था कि आपको एक प्रोफेशनल सिंगर बनाना है, या माँ का सिर्फ ये इरादा था कि संगीत के संस्कार देने हैं? अब उन्होंने क्या सोचा था मैं कह नहीं सकती, लेकिन एक नियम से रियाज कराना उन्होंने मुझे कराया और सिखाया। कभी मुझे ये कहीं गाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि और कोई भी आता था उन दिनों, तो हम घर में कोई आ गए, कोई घूमने आए, शाम को हम लोग किसी के यहाँ चले गए, यही था हम लोगों का उस समय का, तो कहीं प्रोग्राम हो रहा है, स्टेज सजा है, तो वहाँ गाने के लिए बोलते थे तो हम गाते थे। मेरे मामा जी लोग, दो तीन मामा थे मेरे माँ के जो ब्रदर्स थे, तो वो एक तबला बजाते थे, एक हारमोनियम बजाते थे, मतलब एक महफिल सा भी। जब हमारे मैं जब मामा के यहाँ जाती थी, वो कलकत्ते में रहते थे मेरी माँ का जो मायका था, तो पूरा महफिल सा बैठता था, और वहाँ पे मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जब मेरी माँ ले गई मुझे सिखाया, फिर वहाँ एक गुरु भी मिले, उनसे भी सिखाया था, तो मेरे मामा जी एक हारमोनियम पे थे, तब सब पूरा महफिल सा घर में ही हुआ करता था, फिर वो पूजा के टाइम दुर्गा पूजा में वहाँ मंच सजता था, उसमें भी होता था। तो मुझे कहा कि माँ ने कहा देखो भैया, अपने भाई से, भैया ये गा रही है, इसके साथ जरा संगत आप करिए। तो मुझे याद है मैंने राग गौर सारंग, उस वक्त बहुत रियाज में था, और मैंने बड़ा ख्याल गाया, तो मेरे मामा जी लोग कहे अरे ये तो बड़ा एक ताल में बड़ा ख्याल गा रही है, फिर उसके बाद तान सरगम सब गाया। तो वही चीज़ मैं इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति के कंपटीशन में भी मैंने गाया था, तब मैं क्लास 8th में पढ़ती थी, और फर्स्ट आई थी ऑल इंडिया कंपटीशन में, वही राग गौर सारंग, 6 मिनट का टाइम था, उसमें 4 मिनट बड़ा ख्याल और 2 मिनट छोटा ख्याल गाया, पूरे ऑल इंडिया बहुत बड़ा हुआ करता था, जानते होंगे अब तो वो बात नहीं है, लेकिन उस जमाने की बात है। मैं जब क्लास 8th में थी, मेरे ख्याल से वो 64 की बात है, 64 की बात है, और उस जमाने में नरगिस जो फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनको बुलाया गया था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके हाथों से मुझे वो शील्ड मिला था इंडिविजुअली, मैं फर्स्ट आई थी गौर सारंगा के। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।